हवन स्टार्ट हो चुका है। आईफोन होता तो पीछे। अच्छा हवन और सारी सामान आ चुके हैं, तू पहले क्लियर कर लेना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे सारा सामान धीरे धीरे करके आ रहा है और इसको खोलना है और देखना है गाय का शुद्ध घी है या नहीं, और ये खुल ही रहा है मुझसे। सारे सामान को अच्छे से देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें घी नहीं है, इसमें घी नहीं है। अभी सारे सामान को ला करके रख दिए हैं और यहाँ पे मैं पूरा भगवान के लिए पानी भर रही हूँ। थक गई, इतना वही थक गई है, बोतल में भी भरने इतने सारे। हाँ मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और मैं इतना दूर दूर में उधर उधर गई थी। ओ शिट, मेरी चुनरी लेने के लिए जाना है। अरे अभी चुनरी लेने के लिए जाएंगे। पापा बोले मेरे साथ चले के लेंगे। हाँ जाऊंगी दुकान जाऊंगी, ज्यादा रेट लगा दी तो हम लोग दोनों पापा के साथ चले जाएंगे। वो नहाओ तब ना कोठी जाएंगे। ये नहाने मैं एक बार फ्रेश होके आ जाती हूँ क्योंकि पूरा धूल धूल हो गया है एकदम से और पसीना भी बहुत आ रहा है। यार मैं फ्रेश होके आ गई लेकिन अब मेरे को एकदम ज्यादा तेज भूख लग रही है क्योंकि 12:10 हो चुके हैं और अभी तक सब काम में बिजी है तो मैंने कुछ खाया नहीं क्योंकि घर में कुछ बना नहीं है। अब मेरे को खाना खाना है, खाना ही नहीं बना है तो मैंने पापा को मंगाई वो। मेरे को ना समोसा और आलू गुंडा उतना ज्यादा खास नहीं लगता क्योंकि मुझे तेल में तला हुआ चीज ही नहीं पसंद उतना ज्यादा, इसलिए। पर अब मेरे को मजबूरी में खाना पड़ रहा है, मैं खा रही हूँ आलू गुंडा एक ठो और एक ठो समोसा क्योंकि चना वाला रसा रहता है तो मैं खा लेती हूँ, जब नहीं रहता है तो नहीं खाती है। अभी चना वाला रसा शायद, पर सिर्फ रसा रसा बचता है, चना तो गायब हो जाता है। पर कोई बात नहीं यार, थोड़ा तो खाऊंगी एटलीस्ट मैं। पापा लाए समोसा और अब मैं खाऊंगी समोसा। आलू गुंडा नहीं था, समोसा ही खा रही हूँ क्योंकि मुझे एकदम तेज भूख लगी हुई है और जब मुझे भूख लगती है मुझे समझ नहीं। इसको मैं इतने देर से खोलने का ट्राई कर रही हूँ, खुल नहीं रहा। अब मैं फाड़ूंगी, नीचे मैं ना एक कागज बिछा देती हूँ वरना गिरेगा तो मम्मी डांट देगी मेरे को। वैसे भी मुझे डांट पड़ते ही रहता है। यार फैन ना एकदम आवाज कर रहा है, लाइट ही चला गया, ये क्या बात होती है। इसको मैं फाड़ देती हूँ। अच्छा हुआ मैंने कागज बिछा दी थी, गिर गया। मेरे को ना वो वाली जो कढ़ी जैसी वो वाली बिल्कुल भी पसंद नहीं आती रसा, मुझे यही चना वाला पसंद आता है और इत्तफाक से सिर्फ एक ही पुड़िया बचा था। पापा को पूछना दूध चलेगा। हाँ पापा चलेगा। जैसी आराम एक निवाला गया आनंद। मम्मी वहाँ पे भोग के लिए काजू बादाम काट रहे हैं, कहते हैं लाडू मेरे को देख रही है। ये अंधेरा कैसे हो गया ये, और मैं खा रही हूँ। मुझे खाने के बाद आलसी क्यों आ गई? काम कुछ नहीं करी मैं। क्या करी? मैं कुछ नहीं करी। हाँ पानी भर भरी और मैं मार्थन चाबी लोग आई थी, आरती गाई नहीं देखी क्या मेरे को? आज हम लोग बिजी इंसान को बुलाए हुए हैं हेल्प करने के लिए। क्या करें? मैं बोली किसको? यहाँ नाच बंद करे। हाँ वो नहीं, उसमें सुई लगा रही है, इलायची सुई लगा रही है। इतना टाइम में उठी नहीं रहती तब से ना गाने के लिए, तो सुबह से उठ के देख रही है। झूठ बोलती, इतना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को जितना झूठ ये एक बार में बोल देती है। पर कोई नहीं, चलो देरा है दुरुस्त है। अब तो आज मम्मी इसको पहली बार ऑन की थी इसलिए मम्मी को पता नहीं था कि इसको चालू कैसे करते हैं। एकदम स्मेल आने लग गया था, पूरा गैस 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 स्मेल भर गया था। यहाँ पे पूरा कढ़ाई वड़ा हीरा खा चुका है, प्रसाद बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे सब लोग आ चुके हैं क्योंकि सिर्फ प्रसाद नहीं बनाना है, बहुत सारे भोग तैयार करने हैं। आज नौकरनिया भोग भी खिलाया जा रहा है इसलिए हम तीनों मिल के जा रहे हैं माता रानी का सामान लेने के लिए। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खड़खड़ खड़खड़ हो गया है। नौकरनिया हम लोग ने ले चुके हैं सब चीज और अब हम लोग घर जा रहे हैं ऊपर खापड़ बैठ के। हाँ एक अलग दी मम्मी सुनो ना, इधर लेके आ गए सब साथ वाला लेकर के आए हैं देखो ये है ना, इसमें ऑलरेडी सब चीज डला हुआ था। मम्मी के वाला चुनरी अच्छा लगा, कलर वाला चावल बना रहे हैं ताकि हवन कुंड को सजा सके। ठीक है सालू उस पानी को पकड़, पानी डाल के एक बार करके देख, अगर उतना हो जाता है तो ठीक है। यहाँ पे सारी तैयारी चल रही है, हल्का सा डालना तो अभी पानी।
मेरे ख्याल से थोड़ा और कलर डालना पड़ेगा, ये पिंक हो जाएगा पता है, पिंक है ये। मुझे भी तो पिंक दिख रहा है साथ, ज्यादा ये महूर रंग भी है। थोड़ा सा डाल देते हैं चक से, तो जो लाल वाला है ना बस उसको बस ना हम लोग महूर रंग डाल के, लेकिन अलग से चीट से चला चम्मच है हमारे घर प्लास्टिक का, हमारे घर ना ये सारी चीजें बहुत होती है। महूर रंग डाल के देखते हैं अब हम इसमें। दो लाने बोली थी, एक हाथ से नहीं बनेगा, ये वाला है ना ऐसे करके डाल के देखते हैं। छेद है नहीं है, अरे यार इसको मैंने कर दिया है छेद। तो फिर आप रहने दो, थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। हाँ हाँ कर लो, यहाँ पे ये कलर बन गया ना, पिंक कलर बन चुका है। अब हमने लाल बनाने का सोचा था, पिंक बन चुका है। एडजस्टमेंट करना पड़ता है ना, तुम लोग को इतना भी नहीं पता था। वाह, कुछ तो पता नहीं है और ऐसे बोल रही है। क्या नीला कलर? पापा अपना मोबाइल छोड़ के चले गए हैं और इतना कॉल आ रहा है। नीला नीला बना दी ना, और ये कलर भी बना दी क्या? ब्राउन अरे हाँ, तो और कौन कौन सा कलर बनेगा? यही तो कलर मेन होते हैं क्या? काला भी बनाते हैं क्या? बना लेते हैं काला। हाँ दीदी, काला कलर भी बना लेते हैं। बिगाड़ के मानेगी। अब कौन सा कलर बनाना है? हो तो गया ना, और डार्क करना है कि हो गया? हो गया, भात डाल उसमें थोड़ा सा और डाल उसमें भात। यहाँ पे खीर बन चुका है, हमारा भोग भी तैयार हो रहा है, और यहाँ पे सारे पूड़ी बनना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे बन चुके हैं, पहुँच चुके हैं। और ये पहले का है, ये अभी हवन कुंड सजा नहीं है, ये सजने से पहले। इसको हमने इतना जल्दी बनाया, 5 मिनट से भी कम लगा होगा इसको बनाने में। वो हो चुका है हमारा, अब हम घर जा रहे हैं। जितना जल्दी हो सकता था हम सभी के सभी ने मिल करके ये सब बना दिया फट, अब घर जाना, अब हवन होने वाला है, जल्दी जल्दी घर जाना। सब चीज यहाँ पे आ चुका है, कॉल भी आ रहे हैं मम्मी का, चल चल सालू जाएंगे। लाइट चली गई है, इससे फ्लैश दिखवा रही हूँ मैं, और यहाँ चल रहा है सामने में पूजा पर लाइट नहीं है। अब लाइट आ चुकी है। ये इंसान जो बचपन से गोरी चुट्टी पैदा हुई है, ये बोलती है कि मैं गोरी नहीं हूँ। दीदी आप उधर आओ, दीदी इधर आओ, क्यों ये पीछे ना देना। आज की लाइट आ चुकी है, यहाँ पे गोल भंवर बन रहा है ऐसे हवन डालने के लिए, गोला बन रहा है यहाँ पे, तो गोला बन रहा है, गोला बन रहा है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे माता रानी कितनी सुंदर दिख रही है आज। माता रानी की जय, देवी की जय। अब आप लोग बोलिए कि करो माता हूँ आप लोग। यहाँ पे हमने सभी नौ कन्याओं को भोजन खिला, यहाँ पे हमने सभी नौ कन्याओं को भोजन खिला लिया है, और वहाँ पे भंडारा भी चल रहा है। मम्मी बोला क्या? मम्मी सारा काम वहाँ से, मैं फ्लैश जला रही हूँ नहीं। मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, इधर भी फ्लैश देखो।
अब हम लोग घर के रास्ते जा रहे हैं, इधर बहुत अंधेरा है। आईफोन होता तो पीछे गाइस मैं एकदम जोर से गिरी, मेरे पैर में लग गए एकदम ज्यादा जोर से, घर में जाके देखना पड़ेगा। हंस रहे हैं पीछे वाले लोग, कितना जोर से गिरी मैं और ये लोग हंस रहे हैं, जोर से लगा उसको दिखा, उससे गई भी थी वो बेचारी छोटी सी, ये छोटी सी से वो नहीं गिरती बोल रही है, वो नहीं गिरती, कहाँ जा रही है बेबी तू यार, पर एकदम जोर से लगा है, अंदर देखना पड़ेगा, मैं लचक के चल। और दीदी मोबाइल पकड़ा हुआ है, मैं फट से गिर रही हूँ, छोड़ भी नहीं पाई तू। हाँ मैं छोड़ भी नहीं पाई यार, इतना जोर से लचक रही हूँ अब मैं, ये क्या हो गया पत्थर है, और घटिया चप्पल पहनती हूँ अंगूठे वाली ले, और वो भी ना भाभी ऐसे नीचे था, वो देखी नहीं, मैं ध्यान था उसका, मेरा व्लॉगिंग में ध्यान अच्छा हो गई, मैं पास में नहीं थी, मेरे को भी लेट डूबती थी, ये ऐसे गिरा देती, मैं भी इसके साथ साथ गिर जाती, जोर सी लगी तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची, नहीं बची है यार, इसीलिए तो हुआ है। अभी जस्ट मैं घर आ गई और यहाँ पे खून निकल रहा है, यहाँ खून निकल जोर से लग रहा है यार, तो गंदा ही खून निकल रहा है यहाँ पे।